लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हां, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया शुभ आरंभ। अब राज्य सरकार ने दिया है ऑफर, लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जिसके लिए 15,000 से 2,000 तक का इनाम रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन हर पात्र व्यक्ति को लगे, इसके लिए शासन व प्रशासन स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने से पहले हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लग जाए, जिसके लिए मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने इनाम की घोषणा कर दी है, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगी। कल कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में रात्रि तकरीबन 8 बजे CM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है। कलेक्ट्रेट में ही सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित कलेक्टर इलैयाराजा, TSP राकेश सिंह की मौजूदगी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 15,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह से द्वितीय स्थान के लिए 10,000, तृतीय स्थान के लिए 5,000, 3 प्रतिभागियों को मिलेगा। चतुर्थ स्थान के लिए 3,000 की राशि का इनाम रखा गया है, जो 10 प्रतिभागियों को दिया जाएगा, एवं पांचवें स्थान पर रहने वाले 20 लोगों को 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 जून से शासन के द्वारा वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए शासन के द्वारा अब 21 जून से 5 जुलाई तक सर्वाधिक टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, और जिन लोगों को टीका लगवाया जाएगा वह उसके परिवार के पड़ोसी या कोई भी हो सकता है। इसके लिए शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखा गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम पूरे रीवा जिला वासियों का धन्यवाद दे ही थे कि जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा जौन प्रशासनिक अमला रहा वो सब मिल के, और जनता नेता समाज सेवी साधु महात्मा सब इकट्ठा लागे, और जितना हमका लक्ष्य रहा उसे हम 133% ज़्यादा टीकाकरण हमारे यहाँ बा, और अब आगे ये कैसन के बढ़े इसके लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कलेक्टर साहब चला रहे हैं। एमा जे जितने लोगन का ले आई उनका एक पोर्टल है, ओमा वो अपडेट कराई फोटो, ओकर सर्टिफिकेट मिल जाए उनका, कहू का जे जा 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000 और 500 रुपया तक एक इनाम है। हमार सबसे ये अपील है कि जेखा 15,000 रुपया के पुरस्कार लेक हो वह सबसे ज़्यादा काम करे, माँ ले आवे अपने चिन्हार जनारण का बुलावें, और वह पोर्टल में उनसे समझ लें, वहाँ जो को रही तो बताई वो पोर्टल में अपन किंग करें और सर्टिफिकेट निकलवावें और पुरस्कार लें। 10 से ज़्यादा लोगों के लिए ही तीन का सबका मिली अभी वैक्सीनेशन भी हो रहा, लोग करवा भी रहे हैं, ये क्या जरूरत पड़ गई कि लोगों को मतलब एजेंट ढूंढने पड़ रहा है? अरे एजेंट न हो ही, हम एजेंट आए हम तब 27 तारीख से पदयात्रा करी लागे ना 15 दिन के, तो एजेंट आए नहीं, कलेक्टर एजेंट आई दिन रात मरध्य में, एजेंट को न हो अपन दौड़त धूपत काम करें जे को बढ़िया है, तो अपन कुछ SP साहब इनके सकल पुलिस वाले दिन रात मरा देते हूँ, एजेंट आई एजेंट को न हो या बिल्कुल यह पंच ऐसा मा शब्द कह देते कि बिल्कुल एकदम से उठपटांग लागे लागत है, एजेंट कोई नहीं है। हर आदमी दौड़े, और जो सबसे दौड़ में आगे आए, आप भी इतना बढ़िया कवरेज करते हो इसीलिए ना आपको बाइट दे रहा हूँ, सबको थोड़ी दे देता हूँ, तो कहिए आपका मैं आपका एजेंट हूँ, एजेंट उजेंट कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और जो बढ़िया आए उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन कि भाई चलो भैया बढ़िया है आपने अच्छा किया,
आपको भी आपके चैनल वाले जब धन्यवाद देते हैं, पीठ ठोकते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, तो नहीं लगे हमको भी अच्छा लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनार्दन बहुत अच्छा कमिटेड है, वर्कर है, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सबको प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा लगे, फिर आगे भी काम करते रहें, इसलिए ये सब है, कोई इसमें ऐसा इसको निगेटिव न लें इसका। हमको 1,00,000 डोज रीवा जिले को की क्षमता है पर डे वैक्सीनेशन करने की, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार रीवा जिले की जो प्रगति अभी जो रिपोर्ट दिया है इसमें वीसी में कि पहले दिन के अचीवमेंट में रीवा अच्छे ज़िलों में से सर्वाधिक, जो 5-6 ज़िले हैं उनमें रीवा भी एक है, 5वां या 6वां क्या है अचीवमेंट में, पर एक दिन के अचीवमेंट में 1,00,000 डोज पर डे वैक्सीनेट करने का की कैपेसिटी हमारी है। 1,00,000 डोज मिलेगा, 1,00,000 डोज हम करेंगे।